हम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की तरह स्कोर नहीं पूछेंगे, परफॉर्मेंस के स्कोर के आधार पर आपकी सेवा का मूल्यांकन करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बिहार में स्वास्थ्य सेवा और अधिक बेहतर बनाते हुए गरीब, मजलूम, जरूरतमंद और मरीज की मदद करने एवं बिहार को स्वस्थ व खुशहाल बनाने के लिए हमेशा संकल्पित रहेंगे। ये बातें कह रहे हैं बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो परसों की रात, देर रात बिहार के पटना के 3 बड़े अस्पतालों में उन्होंने अचानक से धावा बोल दिया, जिसमें बिहार के सभी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचे, वहां की बदहाली की स्थिति देखकर वो भड़क उठे, डॉक्टरों की जम के क्लास लगाई, सुपरिटेंडेंट को भी जम के फटकार लगाई, साथ ही साथ गार्डिनर अस्पताल की बातचीत कर ले चाहे बातचीत करे गर्दनी बाग की। वो इन 3 अस्पतालों में तेजस्वी यादव बीती रात क्या उसके एक दिन पूर्व रात में वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने छापा मारा, और छापा मारने में जो पीएमसीएच और इन 3 अस्पताल, जो गार्डिनर अस्पताल और गर्दनी बाग अस्पताल की जो स्थितियां देखी हैं, इससे तेजस्वी यादव बमक उठे हैं। और बीते ही दिनों यानी कि कल की बात है, कल दोपहर में ज्ञान भवन में पटना के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई डॉक्टरों की, और सभी डॉक्टरों के साथ मीटिंग करके उन्होंने जम के क्लास लगाई डॉक्टरों की और कहा कि अपने काम में मनमानी करने पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर 60 दिन के अंदर में आपने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारा, अस्पतालों की स्थितियाँ को नहीं सुधारा, तो उसके बाद हमारा एक्शन दुगुना होगा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीते दिनों अस्पतालों में गए, फिल्म नायक जो अनिल कपूर का फिल्म था नायक, वो कहीं ना कहीं याद आ गया। सुनिए तेजस्वी यादव को मीटिंग के पूर्व में वो क्या कुछ कह रहे हैं। 60 दिन के भीतर में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का उन्होंने डॉक्टरों को, सुपरिटेंडेंट को नसीहत दी है। अगर 60 दिनों में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधारा तो कुछ बड़ा एक्शन करेंगे तेजस्वी यादव। सुनिए तेजस्वी यादव को। हम लोग तो लगे हुए प्रयास, निवेश लाया जाए और आगे एक बड़ा रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो हो सकेगा वो हम लोग कर रहे हैं, चाहे नौकरी की बात हो चाहे रोजगार की बात हो। जल्दी ही सरकार में तो अलग अलग तरह की बहालियाँ अब निकलनी शुरू होंगी, साथ ही साथ रोजगार की भी साथ में हम लोग जो व्यवस्था करें उस पर भी हम लोगों का है। बिहार में इंडस्ट्री आए और बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आए, हर तरह से जो काम है हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो नई सरकार है ये निवेश लाने में गंभीर नहीं, हम लोग पूरा गंभीर हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग परसेप्शन को खराब कर रहे हैं, अभी आपने कहा जो लोग कर रहे हैं उनका खुद का परसेप्शन पहले ठीक कर लें। अस्पताल अभी तो बड़ी बैठक होने जा रही है, पूरे बिहार के जितने सिविल सर्जन हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, सारे मेडिकल कॉलेज के जितने लोग हैं सबको बुलाया गया। हंगामा हुआ था।